हेलो माय डियर पिकेडियंस, आई एम मुदिता एंड यू आर जॉइनिंग मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 6 क्लास 10 और ये वर्कशीट आपकी 16/7/2021 के लिए दी गई है। सो दिस इज़ योर जनरल वर्कशीट। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि आखिर चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो ये आपकी जनरल वर्कशीट है। कुछ बेसिक चीज़ें केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में जो आपको पता होनी चाहिए हर क्लास के लिए, वो आपको पढ़ाई जा रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नाइन्थ में आप पढ़ के आए हो, बट यू हैव टू रिकॉल एंड रिवाइज, जिससे जब आप चैप्टर पढ़ें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसलिए इन वर्कशीट को बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये बेसिक है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड आइसोटोप, दिस इज अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, अगर आप एक बार इसको समझ लेते हो, और इसमें मैं आपको वीडियो के बीच में एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ जो आपके लिए बोनस पॉइंट होगा मास नंबर निकालने का, वो इस वर्कशीट में मेंशन नहीं है। वो ट्रिक है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो को अगर आप स्किप करके केवल आंसर देखेंगे तो वो ट्रिक आप छोड़ देंगे। तो इसलिए वो ट्रिक मैं कहीं पे भी बता सकती हूँ, इसलिए आपको वीडियो ध्यान से देखना है। यू हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, यू मस्ट बी थिंकिंग इज देयर एनी सिग्निफिकेंस और रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन। सो देखिए, हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्ट। ठीक है, एटम के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उसको हम सब एटॉमिक पार्ट बोलते हैं। हमारे पास एक एटम है, उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है। अब इनका आपस में क्या कोई रिलेशन है, और अगर है तो क्या है? एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और मास नंबर किसे कहते हैं, ये स्टूडेंट्स बहुत बार कन्फ्यूज़ होते हैं। सो आप ध्यान से समझिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है। मैंने आपको कुछ एक वीडियो दिया था जहाँ पे वैलेंसी कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं वो भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाके इंजॉय कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट बाय एटॉमिक नंबर, अगर कोई आपसे बोलता है कि एटॉमिक नंबर की परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन दीजिए, तो आप बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। देखिए, साइंस इतनी ईजी, आपको कोई डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप खुद लिख सकते हो। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्लोरीन की बात करें, 17 उसका एटॉमिक 17 उसमें प्रोटॉन है, तो 17 ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट इट। सेकेंड पॉइंट, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, आपको पता है पिछली वर्कशीट्स में हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए, मैं सारी चीज़ों को बाइंड अप कर रही हूँ। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसी एटम में, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब इक्वल टू किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर के। इसका मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जेड। जब हमें कहीं भी कैलकुलेशन में एटॉमिक नंबर लिखना होता है तो हम एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से दिखाते हैं। एवरी एटम हैज़ यूनिक एटॉमिक नंबर, हर एटम का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, ये हमने देखा है ऑलरेडी। ठीक है, अलग अलग प्रोटॉन की वजह से ही उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, हीलियम का 2 है उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही चीज़ कि जितने प्रोटॉन होंगे किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। एवरी एटम हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, किसी भी एटम में ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोटॉन ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन कम हो, या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो और प्रोटॉन कम हो। कोई सा भी एटम उठा के देख लो, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर रहेंगे। तो देखिए कितनी सिंपल चीज़ है। अगर आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर पता है और आपसे कोई क्वेश्चन में पूछता है, उसने बोल दिया एटॉमिक नंबर भाई ये है, प्रोटॉन ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन भी बताइए, तो आप वेरी सिंपल, जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, सोडियम जिसको आप Na से रिप्रेजेंट करते हो,
हैज़ एटोमिक नंबर 11, दिस मीन्स इट हैज़ 11 प्रोटोन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 11 इसका एटोमिक नंबर है, तो 11 ही इसके प्रोटोन होंगे, 11 ही इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम, इसका एटोमिक नंबर 12 है, इट मीन्स 12 प्रोटोन 12 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 17 एटोमिक नंबर है, 17 प्रोटोन 17 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 6 है, तो 6 प्रोटोन 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका मतलब जो भी एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। इतनी बात तो मैम हमें समझ में आ गई। अब ये न्यूट्रॉन और मास नंबर का क्या चक्कर है, तो ये भी समझ लेते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में ज़्यादा नहीं दिया है, बट मैं न्यूट्रॉन के बारे में भी आपको एक्स्ट्रा बता दूंगी। मास नंबर अब समझते हैं। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, और बाहर ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब मास नंबर क्या है? द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, आपके पास कोई एटम है, उस एटम के अंदर जो ये सेंटर में होता है, किसी भी एटम का टोटल जो मास होता है ना, मास जो उसका वजन है, वेट अलग चीज़ होती है, मास अलग चीज़ होती है, तो जो पूरा मास होता है वो उसके सेंटर में यानी न्यूक्लियस में होता है। मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आपके पास जो आपकी पूरी बॉडी का वेट है, जैसे मैं बोल दूँ कि वो एक सेंटर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई एटम है, ये एटम समझ लो एक क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, कंपेयर करते हैं, ये एटम एक क्रिकेट ग्राउंड है, तो ये पूरा यहाँ पे खाली है, इसका कोई वेट नहीं है, बस सेंटर में एक बॉल रखी है, उसी का सारा वेट है, ये ग्राउंड पूरा हल्का सा है, इसमें कोई वजन नहीं है, एयर के जैसा है। वैसे ही एटम में बाहर जो ये ऑर्बिट्स होते हैं और ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका कोई बहुत ही कम निग्लिजिबल मास होता है। अगर इस एटम का मास 20 है, तो 0.0001 इन इलेक्ट्रॉन का और बाहर ऑर्बिट का होगा, सारा मास ये जो सेंटर है, इस सेंटर में पूरा मास यहीं पे होगा। इसका मतलब हमारा जो एटम होता है, आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, वहाँ पे जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं गोल्ड फॉइल पे, तो केवल एक बार 20,000 में एक बार क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक, तो जब न्यूक्लियस से टकराता है तब वो बाउंस बैक होता है गोल्ड फॉइल पे, जब वो स्ट्राइक करते हैं हीलियम का। तो देखिए, सेंटर जो होता है ना, हमारा सारा मास एंटर एटम का कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है, और सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दैट मीन हमारा जो मास होता है, इसको हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि एटॉमिक मास शुड बी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया आपके पास एक एलिमेंट है जिसमें 11 उसका क्या है प्रोटॉन और 5 क्या है न्यूट्रॉन, तो मास कितना हो जाएगा 11 प्लस 5, यानी इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। जब आप एटॉमिक मास की बात करोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि मास हमारा कहाँ पे होता है, सारा न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो 11 प्लस 5 16, तो 16 इसका क्या हो जाएगा मास नंबर। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। हम एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मतलब मास नंबर अगर आपको निकालना है, ए निकालना है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दोगे, आपका मास नंबर आ जाएगा। ऑल राइट, अभी मैं आपको ट्रिक आपको जानना है कि आपको एटॉमिक नंबर पता है तो मास नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, सपोज एन एटम एक्स हैज़ एटॉमिक नंबर जेड एंड एटॉमिक मास ए, इट सिंबल इट इज़ रिटन। देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा एटम है जिसका आपके पास मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं, एक्स ए जेड। जेड मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ऊपर हम लिखते हैं मास और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, इस चीज़ को ध्यान रखना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पैर में हम उसके क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखते हैं मास नंबर, ठीक है। ये नोटेशन आपको आना चाहिए, तभी आप आइसोटोप आइसोबार में कहीं पे भी देखोगे तो पहचान जाओगे। पैर में ध्यान रखो, पैर में रहेगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आप याद करते हो, वही चीज़ पैर में रहेगा, और सर पे क्या रहेगा, मास रहेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। एग्जाम्पल, सोडियम हैज़ 11 एटॉमिक नंबर एंड 23 मास नंबर, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Na 11 एंड 23, दिस इज़ मास नंबर, दिस इज़ एटॉमिक नंबर। इसी तरीके से अगर मैं आपको मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, पैर में क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे, और मास नंबर
ऊपर लिखेंगे, 24 इज देयर मास नंबर, सो मास नंबर हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। क्लोरीन, क्लोरीन का कैसे लिखेंगे, 17 एटॉमिक नंबर होता है, 35 मास नंबर होता है। अब आप बोलेंगे मैम आपको मास नंबर याद कैसे है, अभी यही ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हो गया मास नंबर, आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो मास नंबर की ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। सो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप क्या होता है, सिंपल भाषा में बता दूं, आइसोटोप, आइसोटोप आर डिफाइंड एज द एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा एटम जिसके हमारे पास दो एटम हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, इसका एटॉमिक नंबर भी 11 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 11 है, लेकिन इन दोनों का जो मास नंबर है वो अलग है। क्या इट्स ये पॉसिबल है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम ऐसा पॉसिबल है कि एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, मास नंबर बदल गया, क्या ऐसा हो सकता है साइंस में? हाँ जी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैंने आपको अभी पढ़ाया कि देखिए एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है इसका मतलब प्रोटॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, लेकिन 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 हमारा जो मास नंबर है ये किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे। इसका मतलब जो न्यूट्रॉन है वो अलग एटम में अलग हो सकता है। न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, सेंटर में होते हैं, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होंगे, लेकिन जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन किसी में ज़्यादा हो सकता है किसी में कम, जिसकी वजह से उसका मास नंबर चेंज हो जाता है। आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम, ठीक है, सेम इसमें क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे। तो यहाँ देखिए H11, H21 और H31, यानी मास नंबर इनका वरी कर रहा है, एटॉमिक नंबर सेम कर है। क्लोरीन के भी 2 होते हैं आइसोटोप, ठीक है, 1735, 1737, एक का मास नंबर होता है 37 और एक का मास नंबर होता है 35 और एटॉमिक नंबर सेम रहता है। इसके बाद सम यूज़ ऑफ आइसोटोप, इसके अलावा एक आपका आइसोबार्स भी होता है, ठीक है, कई बार आप आइसोबार पढ़ोगे तो कन्फ्यूज जाओगे। आइसोबार ऐसा होता है जिसके अंदर हमारा मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है, आइसोबार में मास नंबर हमारा सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो उसको हम आइसोबार कहते हैं। बट यहाँ पे आपको टॉपिक नहीं दिया, बट मैंने बता दिया यूज़ ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप का यूज़ क्या है हमारी लाइफ में। तो एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका यूज़ किया जाता है। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, एन आइसोटोप यूज्ड फॉर फ्यूल इन न्यूक्लियर। इसके अलावा कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट कोबाल्ट का आइसोटोप यूज़ किया जाता है। आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आयोडीन के आइसोटोप को यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। ओके, सो ये आपके यूजेज हो गए। अब बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब कुछ सबने समझा दिया। आप बोलोगे मैम याद क्या करें, याद कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए आपको बस एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमें पता है, सोडियम का ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। अब क्या मुझे आप लोग मास नंबर बता सकते हो, मास नंबर इसका होता है 23। तो आप बोलोगे मास नंबर तो यहाँ ऊपर दिया हुआ था, मैम क्या हमें बाकी एटम्स के जिनके हमें एटॉमिक नंबर पता है उसका मास नंबर हमें याद करने की ज़रूरत है? आपको याद नहीं करना, इसके लिए ही आपको ट्रिक बताई जा रही है। मास नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना आपके पास एटॉमिक नंबर है, ओके, ध्यान से सुनिए, मास नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास नंबर फॉर इवन और फॉर ऑड, दो ध्यान रखना है। इवन वो एटॉमिक नंबर जिनकी वैल्यू इवन है, जैसे कि 12, 14, तो इनका मास नंबर आपको कैसे निकालना है, जो इनका एटॉमिक नंबर है, जो इनका एटॉमिक नंबर है उसका जस्ट आपको डबल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, और 12 एक इवन नंबर है, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 24। इसी तरीके से 14 सिलिकन का, तो 14 क्या है, इवन नंबर है। अब इसका मास नंबर क्या होगा, 14 का डबल कर दो, 4, 4, 8, 1, 1, 2, 28 हो जाएगा।
अगर हम बात करें मैम ऑड नंबर है, जैसे कि सोडियम, सोडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका मास नंबर क्या होगा, आपको डबल करके प्लस वन करना है, डबल करके प्लस वन, 11 का डबल 22 प्लस वन यानी 23। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताती हूँ, ध्यान से सुन लो। मास नंबर हमें कैसे निकालना है, मास नंबर शुड बी कैलकुलेटेड इफ एटॉमिक नंबर इज इवन, अगर एटॉमिक नंबर आपका इवन होगा, जस्ट डबल डबल कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, मास नंबर। इफ एटॉमिक नंबर इज इवन, अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है तो उसका डबल कर दो। फॉर एग्जांपल 6 है हमारा, किसका, कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, ये एक इवन नंबर है, मास कितना होगा इसका डबल, 6 का डबल 12, तो 12 इसका क्या हो जाएगा, मास नंबर। ये ट्रिक अगर आप समझ गए, आप उसे कोई भी बोलेगा आप झट से बता दोगे भाई इसका मास नंबर इतना है, मेरे को एटॉमिक नंबर पता था, फिर आपकी जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगी कि आपके पास बेसिक नॉलेज है। अब इसी तरीके से ऑड क्लोरीन का ले लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17, ये एक ऑड नंबर है, तो जहाँ पे ऑड नंबर होगा तो आपको जस्ट डबल करना है, यानी 17 × 2 कितना हो जाएगा, 34 प्लस वन, डबल करके एक ऐड कर दो, ऑड वाले में डबल करके एक वन कर दो, इवन वाले में डबल कर दो, तो अप्रोक्सीमेटली आपका मास नंबर बिल्कुल सही आएगा, जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो और आगे कैलकुलेशन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये थी आपकी ट्रिक, जिसने यहाँ तक देखा होगा उसका बेनिफिट ज़रूर होगा। अब देखिए आपको आज क्वेश्चन दिए हैं सारे FIB, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो मैं यहाँ पे पहले इसको रीड नहीं करूँगी, सीधा हम चलते हैं सॉल्यूशन पे, जिससे आप सॉल्यूशन इन्जॉय करें। आपका FIB है, डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन इन एन एटम। प्रोटोन किसके बराबर होता है, प्रोटोन होता है एटॉमिक नंबर के, यही तो हमारी डेफिनेशन एटॉमिक नंबर की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, सेकंड था डैश इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन इज मास नंबर। ओके, थर्ड है आपका डैश आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ओके, आइसोटोप। इसके बाद हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन सा, प्रोटियम। देखिए ये 1H1 नहीं है भाई, इसको ऊपर और नीचे लगा लेना, पैर में और नीचे, H11, H12, H13 इस तरीके से लिखना है। ओके, सो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये 3 होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप। इसके बाद आपका नेक्स्ट ई था कि एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंट, एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, एंड मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। यहाँ पे आपको बोला है कि एक एटम के 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर कितना होगा, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सो ऐड करना है 11 + 12, 11 + 11 = 22 + 1 = 23, तो मास नंबर कितना हो गया, 23। सो ये आपका पूरा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, वर्कशीट शुड बी डन, वीकेंड में होने वाला है टेस्ट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारी फैमिली बड़ी हो और आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके, आपको और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट दिया जा सके।